नहीं है। रोक रहे हैं आपको। मनीष सिसोदिया अभी बात कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। उधर बीजेपी है तो नफरत पैसा इन सब के दम पे चुनाव लड़ रही है आम आदमी। देखिए मैं आपको बताऊं, आज जो चुनाव हो रहा है वो पहला चुनाव है जो देश में काम के नाम पे इस तरह से हो रहा है और शिक्षा, विशेषकर शिक्षा के नाम पे हो रहा है। क्या मंदिर में पूजा पाठ के लिए निकल रहे हैं क्या? नहीं, मैं जो मुझे पूजा पाठ ध्यान करना होता है, मैं रोज सुबह मेडिटेशन करता हूँ, मैं कर चुका हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि दिल्ली के सभी बच्चों को अगले 5 साल और अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए लोग आज वोट करें और मुझे पूरा भरोसा है कि लोग उस पर वोट करेंगे। पिछली बार का सर जो आपका मार्जिन था जीत का करीबन 28,000 से ज़्यादा वोटों का था, क्या लगता है कि इस बार ये मार्जिन बढ़ेगा? हाँ, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उम्मीद इसी में है, लेकिन उतना भी हो तो बहुत अच्छा है। अब पटपड़गंज के वोटर्स हैं, पटपड़गंज में इतने स्कूल बने हैं, इतना काम हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, CCTV लगे हैं, हर तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को जिसने अच्छी शिक्षा दिलाई हम तो उसी को वोट देंगे। दोनों नए चेहरे हैं आपके सामने, क्या लगता है कि लड़ाई थोड़ी हल्की लगती है आपको? नहीं नहीं, हल्की और भारी नहीं होती है, चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन और मैंने चुनाव चुनाव की तरह से लड़ा है और लोकतंत्र की यही खूबी है, क्योंकि जिसको भी ये लगने लगता है कि सामने वाला हल्का है उसके हारने की संभावना है। दीपक मनीष सिसोदिया ने स्वेटर पर क्या बैज पहना हुआ है? मार्जिन क्या रहेगा? जीत पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और फिर अगले 5 साल। दीपक ये स्वेटर पर क्या पहना हुआ है मनीष सिसोदिया? दिख रहा है भगवान श्री राम के, ओम शांति, ओम शांति का। तो ओम शांति का बैज लगा रखा है मनीष सिसोदिया ने, वो कह रहे हैं कि पूजा अर्चना के लिए जरूर निकलेंगे। मार्जिन की बात करें तो उनका कहना है कि वोटिंग मार्जिन जो है वो पिछली बार